हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वासु और आप देख रहे हैं एनएसएट एकेडमी चैनल। गाइस, कई बार हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि हमें हिंदी में टाइपिंग करना होता है, वहां पर हम इंग्लिश टाइपिंग नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम कीबोर्ड की तरफ नजर डालें तो भाई हिंदी कीबोर्ड ना इतना टफ सा लगता है देखने में। तो मतलब इतनी सारी मात्रा, इतने सारे बिंदु, वो सब कहाँ कहाँ से देखेंगे तो बहुत ज्यादा टफ सा हो जाता है। तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसका यूज करके आप बहुत ईजिली हिंदी टाइपिंग कर सकते हो। जैसे आप इंग्लिश कीबोर्ड से नॉर्मल टाइपिंग करते हो ना, वैसी करनी है, बस वो अपने आप ही हिंदी में ट्रांसलेट कन्वर्ट हो जाएगा। तो वीडियो में लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट मिले सबसे पहले। गाइस, इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट अपना वो साइड ओपन करना है जहां से आपका कीबोर्ड अनेबल हो जाता है फोन में। तो जैसे मैंने व्हाट्सअप की है, चैट ओपन करी है चैनल की, तो चैनल का ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी यहां पर देखो, यहां पर कीबोर्ड मेरा अनेबल हो चुका है। अब आप नोटिफिकेशन बार को जब देखोगे तो यहां पर आपको चेंज कीबोर्ड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, तो यहां पर मैं गूगल कीबोर्ड ही यूज करता हूं अपने फोन के अंदर, और आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप भी गूगल कीबोर्ड का ही यूज करो, बेस्ट रहेगा। अब यहां पर आपको फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है इंग्लिश एंड इंडिक लैंग्वेजेस, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका जो कीबोर्ड आएगा वहाँ पर आप कुछ नेक्स्ट थोड़ा सा चेंज देखो कीबोर्ड में। यहाँ पर मैंने अपनी फोटो लगा रखी है, आपको थीम्स भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है कीबोर्ड में। तो अभी देखो यहाँ पर आपका ये कीबोर्ड अनेबल हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है जब आप फर्स्ट टाइम करोगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ सेलेक्ट कर रखी है, तो आपको इसके लिए जाना है अपनी सेटिंग। आपको लैंग्वेज एंड इनपुट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो लॉक मेरा पता चल गया आपको। अभी यहाँ पर आप जब शाओमी का फ़ोन है मेरा, तो यहाँ एडिशनल में मिलेगा, लेकिन कहीं भी देखो आपको लैंग्वेज एंड इनपुट के अंदर ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको वहाँ पर जाना है, उसके बाद आपको करंट कीबोर्ड जो सिलेक्ट हो रखा है, हमने जो सिलेक्ट किया था वही वाला हुआ है, तो यहाँ पर आपको गूगल इंडिक कीबोर्ड पर सिलेक्ट कर लेना है। अभी गूगल इंडिक कीबोर्ड पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, तो इन ऑप्शंस में आप यहाँ पर देख सकते हो सिलेक्ट इनपुट लैंग्वेज का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ आप देख सकते हो हमें काफ़ी सारी लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर से आपको हिंदी एंड ये इंग्लिश जो देखने को मिल रहा है, इंग्लिश का ये एक तरह से समझ लो अपडेटेड वर्जन है। यहाँ पर क्या होता है ना, मतलब हम कुछ भी इंग्लिश के अंदर टाइप करते हैं, जैसे कि चैट हम किसी से करते हैं तो लिखते हैं ना क्या कर रहा है, तो वो के वाई ए का क्या बनता है, तो वही होता है हिंदी एंड इंग्लिश। तो आपको इसे अनेबल कर देना है, और बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बैक चले जाना है और अपनी वो चैट ओपन कर लेनी है, या जहाँ भी आपका कीबोर्ड ओपन था वो कर लेना है। अभी शुक्र है ऐप लॉक नहीं आया, फिर लॉक खोलना पड़ता। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, अब यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करूँगा, लेकिन उससे पहले हाँ एक चीज़ और देख लो, ये जो आपको अ देखने को मिल रहा है हिंदी का, यहाँ पर देखो ये वाला, तो आपको इसके ऊपर एक बार क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपको देखो तीन ऑप्शन देखने को मिलता है, एक है लिखे, तो वो लिखे जो लिखा हुआ है ना, अगर मैं आपको इस पर जूम करके दिखाऊं तो देख सकते हो लिखे लिखा है इंग्लिश में, और लेकिन वो आगे जाने पे एरो के बाद दिखा रहा है हिंदी में। तो यहाँ पर सेम ऐसा ही कुछ होने वाला है, जब हम कुछ भी लिखेंगे इंग्लिश में तो वो यहाँ पर शो होगा हिंदी के अंदर ही। तो आप देखो जैसे मैं यहाँ पर हाथ में पकड़ना पड़ेगा फ़ोन सबसे पहले तो चैटिंग के लिए, टाइपिंग के लिए, तो यहाँ पर मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ एक बार। तो अब देखो जैसे कि मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि क्या कर रहा है, तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा इंग्लिश के अंदर, लेकिन यहाँ पर हिंदी में टाइप हुआ, तो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। बहुत इजीली मैंने आपको बताया कि कैसे करना है, बिकॉज आप कमेंट्स में ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, कई बार सिंपल चीज़ों में भी कन्फ्यूज़ हो जाते हो, तो इसलिए मैंने बहुत धीरे बताया है, वरना ये वीडियो कब का खत्म हो चुका होता, लेकिन मैंने बहुत स्लोली आपको बताया कि कैसे करना है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो, आप कुछ भी टाइप करो आपको वैसे ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं लिख देता हूँ अभी सब्सक्राइब, सॉरी गलत हुआ, तो ये देखो सब्सक्राइब नाउ, तो ये हिंदी में ऐसा ही होगा नाउ, और ये अर्थ का आइकन है। अगर आपको दोबारा से अपने पुराने लैंग्वेज पे जाना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस ए पे बगल में देख सकते हो एबीसी लिखा है, आपको इसके ऊपर जस्ट क्लिक कर देना, उसके बाद आपका जो भी टाइप करोगे वो इंग्लिश के अंदर ही होने वाला है। और सेकेंड ऑप्शन है कि आप ये जो ये हमें अर्थ वेब का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि ये पृथ्वी सी बनी हुई है ना, इसके ऊपर क्लिक कर देना। बस क्लिक करते के साथ ही आपका जो कीबोर्ड है वो चेंज हो जाता है, और पुराना जो डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड था हमारे फ़ोन का वो अनेबल हो जाता है, और बस करो यूज़ मजे से, ये तो वही वाला है अपना। तो यही ट्रिक था गाइज, यही थी कमाल की ट्रिक बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के हिंदी में टाइपिंग करने की, और मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट मिले सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।